बैक टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की जो इंटरेस्टिंग सी और बढ़िया सी वीडियो मैं शूट करने जा रही हूँ वो है गेम जिसका नाम है हाउस फ्लिपर। ये तो आज हम एक घटिया से घर को रेनोवेट करने वाले ब्यूटीफुल से लग्जरी गेमिंग हाउस में, एंड आई नो ये काफ़ी छोटा सा घर है तो इसको गेमिंग हाउस में कन्वर्ट करना अच्छा नहीं होगा, बट हम ऐसे ही घर बेच बेच के ले लेके एंड फिर एक बड़ा सा घर लेंगे जिसको हम गेमिंग हाउस में कन्वर्ट करेंगे। बट ये देखो, आई हाय, एक काम करते, सबसे पहले जल्दी से आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दूसरे चैनल पर गर्लाइन को शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर फॉलो कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एंट्रेंस कल मैं एक बहुत अमेजिंग चैलेंज करने जा रही हूँ, तो संडे है कल एक्चुअली, अभी मैं आज मेरा व्रत है एंड आज मेरा व्रत है। सो फ्रेंड्स, फिर रेनोवेशन के लिए फर्स्ट स्टेप मैंने लिया कि मैंने सारी घर की पुरानी जो गंदी चीज़ें थी वो मैंने सारी की सारी बेच दी, एंड उसके बाद फिर मैंने जो सारा कूड़ा कचरा था बैकयार्ड में, बेडरूम में, बाथरूम में, हॉल में, सब कुछ मैंने ठीक कर दिया एंड इस घर को एक क्लीन घर बना दिया मैंने। तो एंड सिपर वगैरह पे पड़े हुए थे तो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। सबसे पहले तो इस घर में हम दरवाजे खिड़की लगाएंगे ना, मेन थिंग। एंड एक्चुअली यहाँ पे मैं वर्क के ऑफर भी आते हैं भाई, 5,000 रुपये मिलेंगे मुझे वर्क करके, तो मैं करूँगी ज़रूर, बट यहाँ से कोई दरवाज़ा चुन लेते हैं, अभी सस्ता वाला चुनेंगे, मेन डोर के लिए थोड़ा बढ़िया चुन लेते हैं पहले, तो बहुत महंगे महंगे हैं यार। देखो मेन डोर के लिए तो ये बेस्ट है, बट ये 1600 का है भाई। $520 का एक दरवाज़ा और एक $495 का है, तो $495 वाला सब जगह लगाएंगे, $860 वाला मैं मेन डोर लगा रही हूँ, ठीक है। अब जो बाकी दरवाजे लगने वाले हैं वो लगने वाले हैं $495 वाले, नहीं बिल्कुल भी नहीं, $565 वाले, क्योंकि एक और कोई दरवाज़ा बता दो। ओके, हमारे 2,000 रुपये गए दरवाजे खरीदने में, यार सस्ते आ गए। फिर तो ये मेन डोर थोड़ा अलग लुक देता है, फिर ऐसे देखो मेन डोर तो अलग होना चाहिए ना, ठीक है। मेन डोर पे अगर हम इतने पैसे नहीं खर्चते तो हमारे पास काफ़ी होते हैं। अब बारी आती है विंडोज़ की, तो विंडोज़ का ऑप्शन नहीं होता हमारे पास ज़्यादा, बिकॉज हमारे पास यही सिंगल विंडोज़ हैं। 450 वाले लगाएं या फिर अपना फेवरेट कलर ब्लैक ही आजमाएं। ओके, अब देखते हैं हमारा कितना खर्चा कराते हैं ये लोग। वैसे हम एक ही ऑर्डर में उस खर्चे को कंप्लीट कर सकते हैं। उन्नीस हज़ार बोल रही हूँ, काफ़ी खर्चा हो गया यार दरवाजे और खिड़कियों में ही हमारा, बट अब वो तो होएगा ही, बट ये काफ़ी लग्जरियस फील देती है ना, तो इसलिए लगानी तो ज़रूरी थी। एंड यहाँ पे तो कोई विंडो नहीं होगी ना प्लीज़, नहीं यहाँ पे कोई हुई नहीं है क्योंकि पैसे में ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। तो पहले ये वाला रूम हम बिल्ड करेंगे एंड देन वो वाला, क्योंकि ये वाला रूम तो कौन किसी को दिखता भी नहीं है बाहर से, लोग पहले तो विंडो में से जाके यही वाला रूम देखते हैं एंड फिर उधर भी तो विंडो है। क्या मुझे लग रहा है उधर से भूत आ जाएगा, वैसे भी बैकयार्ड काफ़ी सुना है। अच्छा ठीक है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, 1300 का लगेगा बाकी पूरे फ्लोर पर, बट वाओ यार यही वाला इस रूम में भी लगेगा। महंगा भी नहीं रहा हमारे लिए, एंड टू सी व्हाट इज द लुक, भाई साहब ये तो लगेगा ही। हाँ बाथरूम में तो टाइल्स लगे, ये देखो ये लगता ही मुझे गंध दिख गई है। अब यहाँ की 94 हुई, अभी ऊपर हमें कुछ सुंदर सुंदर से वॉलपेपर लगाना है जो कि मुझे पता नहीं क्या होने वाले हैं। यार ये तो बहुत ख़राब ख़राब दिख रहे हैं, एक ही बटरफ्लाई वाला देख लेते हैं। फर्स्ट यू नीड टू सेव द होल, वेट, फर्स्ट यू नीड टू मेंड द होल इन द वॉल। ओके 48 रेट में चढ़ा रही हूँ, सुंदर लग रहा है यार। तो
तो चलो यार, यहाँ पे दीवार में होल्स वगैरह हैं, ये 100 रुपये का ये ले लेते हैं। एंड देन ये स्पार्कलिंग पेस्ट है, ये हमें लगा देना है। आज एक पूरा घर रेनोवेट करने वाली हूँ मैं। ये अनलिमिटेड है क्या, ये ख़त्म नहीं होता क्या? खैर मैं अभी इसको बेचने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर भी होल्स मिलेंगे, एंड अगर वो नहीं भरे तो ये 65 का मुश्किल से बिकेगा, और उसके बाद मुझे 100 रुपये का दोबारा ख़रीदना पड़ेगा। तो कहाँ 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 हाउस कंडीशन 27% गुड है, तो चलो बढ़िया। यहाँ पे 88 का लगा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में दरवाजे थे, बट यार काफ़ी सही लुक दे रहा है, चाहे हमने बिना फर्निशिंग के यहाँ पे कितने भी पैसे खर्चे, बट कितनी सही फील दे रहा है ना, लुक कितनी बढ़िया है। अब वहाँ का वॉलपेपर चेंज कराते हैं, एंड वहाँ के लिए मैंने कोई 3D लुक वाला वॉलपेपर ढूंढने की सोची है। तो 3D लुक वाला वॉलपेपर मिलेगा ही नहीं मुझे तो। वेट 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 वेट, बटरफ्लाई थीम का घर बना दे, बट ये वाला वॉलपेपर मुझे थोड़ा 3D टाइप, ओ भाई का मस्त लग रहा है, पूरे घर में लगेगा अभी, पूरे घर में नहीं, इस रूम में, क्योंकि ये वॉलपेपर काफ़ी महंगा दिख रहा है भाई, है ही महंगा। वाह यार कितनी मस्त फील आ रही है ना यार, बाहर निकलते ही तो सुंदर, वैसे बटरफ्लाई वाला भी सुंदर है। अब बाथरूम में भी एक बार चल के टाइलिंग वाइलिंग का काम कर लेते थोड़ा सा। टाइल्स ये है क्या वैसे, साइडिंग कहाँ पे लगती है साइडिंग, मुझे तो पता ही नहीं है, बंद हो जा सिम। अब हम क्या देख रहे थे, ये ना ये तो ब्लैक की अच्छी लगेंगी, बट सबसे सस्ती 120 में ही है ज़्यादातर, बस एक जो थोड़ी मॉडलिंग जो वुड है ना वो थोड़ी महंगी है, बट ये तो देखो यहाँ पे हम बीच में मिडल में लगाएंगे। देखो यहाँ पे पूरे में लग गए हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी फील आ रही है, यहाँ पे भी लगा देंगे। खुद ही डोर का वे बन गया है, डोर वे जो कि इतना महंगा खरीदना पड़ता है, यहाँ पे खुद ही वो डोर वे बन गया है। वो अभी फर्निशिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया यहाँ किचन, एंड यहाँ सोफा वाला एरिया, एक टीवी तो होता ही है लग्जरी घर में, तो वो भी बनाते हैं। सबसे पहले तो हम किचन ही बना रहे हैं, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। अच्छा चलो एक बार ना ये जो 5000 रुपये वाला हमें काम मिला है हम इसे कर लेते हैं, क्योंकि ना फिर हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किचन वगैरह सब कैसे बनते, कैसे बनानी होती है। तो ओके फाइनली अब हमें 5000 रुपये मिल गए हैं। एम्पर ब्लू बोरो लॉक। सो चलो फ्रेंड यहाँ पे सोफ़ा लगा देते हैं महंगा वाला। ग्यारह सौ का सोफा हमें पड़ेगा 1335 का। एटलीस्ट यार मैं शांति से अपने घर में सोफे पे बैठ सकती हूँ। एक्चुअली अगर मुझे उधर अपनी विजन घुमानी है तो मुझे उधर टीवी लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। अच्छा इधर बैठती हूँ मैं, ठीक है इधर टीवी लगेगा एक, ताकि रसोई में जो काम हो रहा हो तब भी देख ले, बट पहले एक बार किचन बना देती हूँ। टीवी देख लेते हैं ना, टीवी के दाम हाव देख लेते हैं। हो पंखा किसने तेज़ किया, क्यों तेज़ किया, सो फ्रेंड्स ये 950 वाला इतना छोटा सा घटिया सा टीवी है, तो यही लगा दे, बकवास टीवी है। तो ये 1690 वाला एक लगाते हैं, ठीक है लग गया एक हमारे घर में टीवी। कोई भी आके डाका डाल जाएगा, क्योंकि इस घर में लॉक तो लग नहीं सकता यार, सामने गेट खोलते इतने में कहीं कोई और रूम में होंगे, इतने में टीवी तोड़ ले जाएगा मेरे। तो चलो हमारे पास 18000 रुपये यार, अभी इतने
ज़्यादा पैसे कहाँ से आते हैं हमारे पास? हमें चाहिए होगा एक गैस रेंज तो चाहिए होगा। सो फ्रेंड्स, किचन का रेनोवेशन करने में इतना टाइम लगा था, अगर मैं फुल दिखाती ना तो कम से कम 1-2 घंटे की वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने स्पीड में करके दिखा दिया। बहुत लग्जरी सा किचन बनाए, आप लोग देख लो। तो चलो देख लो आप लोग, अब हाउस कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, फर्निशिंग और भी कर सकते हैं। कुछ और करूँ क्या मैं यहाँ पे? हाँ, कुछ शो पीस वगैरह लगा देती हूँ, सुंदर दिखेगा। प्लांट्स लगा देती हूँ, इंडोर प्लांट्स। आउटडोर प्लांट्स चाहिए ही नहीं है, इंडोर प्लांट्स चाहिए। अरे बाहर भी लगा दूंगी ना शांति। और कुछ देखो क्या, वैसे तो और कुछ लगाने की औकात नहीं है। एक पेट खरीद लूँ मैं, हाँ ये मैंने सही आइडिया, दिमाग जो लगाना था मैंने सही लगाया। यहाँ पे पेट्स शॉप पे जाके एक प्यारा सा क्यूट सा डॉग खरीद ले। डबल नहीं, सिंगल बेड चाहिए, बस सस्ता चाहिए। ये 690 का है। एक बेड का फ्रेम ब्लैक एंड नाउ बेड लाइन, वो ओके। हमने ये भी 585 का कर दिया। ये बुक केस है, सबसे सस्ता कौन सा? 150 है फ्रेंड्स, ये ले रही हूँ मैं। एंड ये ब्लैक ही अच्छा लगता है, 253 का। एंड यहाँ पे बुक्स रख देते हैं, बुक्स ज़रूरी नहीं है वैसे, कुछ और भी रख सकते हैं। फॉर एनिमल्स डॉग हाउस, एक डॉग का प्यारा सा हाउस खरीद लिया मैंने, बिकॉज डॉग्स को हाउस की नीड होती है। ओके, ये 50 रुपये की है। कोई सजावट के लिए कोई ऐसी मतलब चीज़ें नहीं है, सारी सजाई हुई चीज़ें। वाओ, एक सेकंड, मैंने इसे खरीद लिया, पर क्यों ऐसे ही खरीद लिया यार मैंने इसको। चलो ना यार, इससे अच्छा तो मुझे यही लगा। एक यहाँ पे भी लगा देते हैं ना, मैं एक बार लाइट्स लगाने वाली हूँ ढेर सारी। एक्चुअली हमें ब्लैक चाहिए, एंड यहाँ पे तो मैं 3 लाइट्स लगा रही हूँ ऐसी। वैसे मैं देखना चाहती हूँ, अगर मैं इस पूरे घर का सामान बेच दूँ तो मेरे पास कितने पैसे बचेंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप घर कंप्लीट हो जाएगा यार, इतनी कंजूसी करनी सही नहीं है। कमी है दैट इज आउटसाइड पेंट, वरना घर पूरी लग्जरी फील दे रहा है। तो बाहर का पेंट कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? रुको, लेट मी चेक। सो ये पेंट ओशियन ब्लू एक टाइप से मुझे ठीक दिख रहा है, तो ले लेते हैं इसको। वैसे भी ख़त्म नहीं होते पेंट, तो मैं कितना भी करूँ। इट्स नॉट दैट बैड, हाँ आई नो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट अब देखो और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं उड़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास 10,000 रुपये बचे हैं। एंड गाड़ी अभी इस घर के सामने हम लगाने की सोच रहे थे, तो गाड़ी देखते हैं यार कोई है कि नहीं अच्छी सी। बट मैं इस घर में क्यों लगाऊँ गाड़ी?
हो वही तो गैरेज में लगेंगे ना अगले घर में गाड़ी, थोड़े ढंग के घर में गाड़ी है ना, गैरेज में लगाएंगे गाड़ी। वैसे भी यहाँ पे गाड़ी लगाने का क्या फायदा, बट फिर भी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। सबसे सस्ती गाड़ी कौन सी है? 16,000 की। ठीक है, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो देखते हैं इस घर को कौन कितने में खरीदना चाहता है। अब एक बार ऑफिस चलते हैं, गो टू दिस हाउस एंड लेट्स सी हमारा घर कितने का बिक रहा है। हमें कम से कम इसकी रेंज है 2 लाख करनी चाहिए। कैन नॉट बी अनडन फ्रेंड्स, मैंने फाइनली से अगेन बाय परचेज कर लिया है, बाय कर लिया है। तो चलो बाय बाय फ्रेंड्स, दैट वाज फॉर टुडे।